that is academic results versus holistic development. इस सेशन में हम कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की कि स्टूडेंट की स्कूल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पर किस तरह इम्पैक्ट कर रही है. एंड फॉर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई कोलीग्स गौरव शुक्ला एंड उमेश शर्मा ऑन द स्टेज. And now I would like to request my panelists to please come on stage. We have Vivek Atre, ex-IAS, author and TEDx motivational speaker. Welcome, sir. We have Mithul Dixit, director, Dikshan International School. Welcome, sir. Over to you, Gaurav and Umesh. Thank you, Sarabjot. हमने स्कूल्स के ऊपर बात की है, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. हम उस दौर में हैं जहां पर हम थ्री इडियट, ट्वेल्थ फेल रिसेंटली मूवी उनके जरिए इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन इंस्पिरेशन के बीच गाड़ी जाकर अटक जाती है दो तीन चार चीजों के ऊपर कि अगर कोई टेंथ में है, ट्वेल्थ में है या फिर हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है तो जहन में चार पांच चीजें आती हैं जो पहले भी सेशन में डिस्कस हुआ कि कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता है. मोस्टली इन चीजों के आजू बाजू सब चीजें घूमती रहती हैं. हम इस सेशन में जिक्र और बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो यूथ है वो खुद को रेडी करे, और खासतौर पर मैं एक्सपोजर का बात करूंगा कि कहां पर बहुत सारी चीजें हम लैक कर जाते हैं और उनको किस तरह से और एक्सप्लोर किया जा सकता है. मैं सीधे शब्दों में कहूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब वो टेंथ में है, ट्वेल्थ में है, उनको बहुत सारी फील्ड्स का पता ही नहीं होता. एक स्कूल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत डिफरेंस है, आज उसके ऊपर ही बात करेंगे. सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज 18 के इस मंच के ऊपर. विवेक सर मैं शुरुआत आपसे करता हूं, बहुत सारे लोगों को आप दोनों बहुत मोटिवेट करते हैं. मैं शुरुआत करूं कि क्या जो हमारा यूथ है स्पेशली जो एक एक प्रोफेशन को चूज करना चाह रहा है, लैक ऑफ एक्सपोजर है उसके पास, उसको नहीं पता कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तीन चार पांच चीजों में बात जाके अटक जाती है. पहले तो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा का थैंक्स है दैट दे ऑर्गेनाइज दिस इवेंट. बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, बड़े अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं. मुझे लगता है कि आज जो प्रेशर है यूथ के ऊपर वो सबसे ज्यादा है. पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में इतना प्रेशर किसी यंग व्यक्ति के ऊपर नहीं था जो अब है. आप 100 ईयर्स पहले का सिनेरियो सोचिए, लेट अस से वी आर इन 1924. आपको लगता है कि 18 साल या 17 साल या 16 साल के लड़के बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर इतना था? उसको यही प्रेशर था कि उसको थप्पड़ पड़ जाएगा अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से, उस टाइम थप्पड़ पड़ते थे. तो दैट वॉज दी ओनली प्रेशर, यू नो दैट वंस इन अ वाइल व्हेन ही इज अ बिगड़ा हुआ बच्चा या उसने पढ़ाई नहीं की तो ही इज अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स. टुडे ही इज अंडर प्रेशर फ्रॉम द होल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिज माइंड. है नहीं उतना जितना कि फील होता है. तो ये जो आपने बात की, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटेंस एक्सपेक्टेशन. पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, स्कूल्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया. एंड सोशल मीडिया हैज एग्जैकबेटेड, एग्जैजरेटेड, उसको बहुत बढ़ा दिया है. तो उससे क्या हुआ है कि हमारा एक जो यंग व्यक्ति इस टाइम है कंफ्यूज है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना अच्छा कैसे बनूं. कंपेरिजन बहुत हो रहा है. बिल्कुल. तो बट दिस इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट विच आई वुड लाइक टू प्रेजेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल. विवेक जी और मितुल जी, और हम चारों में एक कॉमन चीज ये है कि जो गौरव ने जिक्र किया कि प्रेशर बच्चों का, लेकिन चारों में कॉमन क्या है कि हम चारों क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं. अच्छे इसलिए कह रहा हूं कि काफी मैचेस खेले हैं. और होलिस्टिक अप्रोच की बात इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मितुल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप स्टूडेंट थे, अब आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो वो जो बड़े बड़े एड्स हम लोग देखते हैं ना कि फलां स्कूल के इतने बच्चे 99.9 मार्क्स और फोटोग्राफ्स आते हैं, जब आप स्टूडेंट थे और आप एक डायरेक्टर हैं, वो रिलेट करते हैं कि प्रेशर की बात जो अभी विवेक जी कर रहे थे कि सिर्फ एक थप्पड़ पड़ता था, अब तो पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बेटा अगर ये परसेंटेज आ जाएगी मैं शायद आपको गाड़ी ले दूंगा या आपका मैं गैजेट इतना महंगा ले दूंगा. तो वो रिलेट आप करते हैं उस चीज से अभी भी?
थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज कुछ साल पहले हमारा 25th रियूनियन था स्कूल में, और जब 25th रियूनियन होता है तो जो हेड बॉय होता था ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द स्कूल असेंबली. तो हेड बॉय फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए, तो आई वॉज आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल टू एड्रेस द स्कूल असेंबली. एंड तो 5 मिनट के टाइम में मैंने कहा मैं क्या बताऊं अपने स्कूल के टाइम का. बट व्हेन आई थॉट अबाउट इट आई फेल्ट कि सबसे अच्छी चीज जो स्कूलिंग की जो मुझे लगता है हमारे टाइम में या मेरे साथ थी, द स्कूल प्रोवाइडेड मी अ हैप्पी चाइल्डहुड. हैप्पी चाइल्डहुड, इट वॉज अ वेरी हैप्पी अपब्रिंगिंग. बिकॉज क्या होता था कि 10th क्लास है तो प्रोबेबली मेरे साथ तो ये हुआ कि 60% लेकर आना है 10th क्लास में, बिकॉज 11th क्लास में यू हैव टू कंटिन्यू इन द सेम स्कूल, सो देयर वाज नो प्रेशर. 11th क्लास तो पूरे मजे में निकला. 12th क्लास में ये था कि यू नो टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी परसेंटेज की जरूरत थी, स्पोर्ट्स भी था, परसेंटेज मेहनत करी लास्ट के एक महीने में और कुड गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी एज वेल एज अ कॉलेज. तो ये जो नजरिया है एक मींस टू एन एंड बन गया है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, क्यों एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है. एक सवेरे आई थिंक यू नो आई वुड डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, बट एक सवेरे मेरा दोस्त है, बैचमेट है, वो गोरखपुर में रहते हैं, तो वो अपनी उनकी जो बेटी है क्लास 12th में वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रही है. तो उसने बोला कि यार और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे वो जा सकती है. तो मैंने कहा कि भाई देखो लीव हर अलोन. रीजन क्या है कि जिस कॉलेज में भी वो जाएगी, जहां पे भी जाएगी, शी वुड हैव अ वेरी डिफरेंट यू नो इट इज नॉट रिलेटेड टू गेटिंग इनटू एन आईआईटी ओनली और गेटिंग इनटू अ टॉप कॉलेज, बट ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ एक्सपोजर और बिकॉज यू नो एजुकेशन इज ऑल्सो अबाउट यू नो लर्निंग टू एक्सेप्ट फेलियर इन दीज टाइम्स. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. और हमारे साथ यू नो जब ये जब पैनल बना और विवेक अत्रे जी इस पैनल में थे तो मैं बहुत खुश हो गया. मैंने कहा कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एग्जाम्पल है कि एकेडमिक स्कोर्स अगर आप देखो तो इंजीनियर भी हैं बाय प्रोफेशन, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र विच इज वन ऑफ द बेटर इंजीनियरिंग कॉलेज वहां से, उसके बाद सिविल सर्विसेज पढ़ाई, आई मीन ही मस्ट हैव गॉट गुड एकेडमिक स्कोर्स टू बिकम अ इंजीनियर एज वेल एज यू नो अ ब्यूरोक्रैट. आई मीन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इनका अगर एग्जाम्पल मैं देखता हूं तो वॉट गिव्स हिम हैप्पीनेस, ही इज अ राइटर, ही इज गिवन अप हिज जॉब. यू नो कितने लोग एस्पायर करते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, द काइंड ऑफ पोजिशन ही इज हैंडल्ड, द काइंड ऑफ करियर ही इज हैड. तो आप समझ लो बिकॉज यू नो हैप्पीनेस कम्स आउट ऑफ, एंड आज क्या हो गया है कि हमें हैप्पीनेस यू नो हॉब्स के एक प्रोफेसर हैं कॉग्निटिव एजुकेशन में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर. तो एक टाइम था जब आई वेंट टू ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे एंड ही चैंपियन दिस कॉज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी. तो कुछ सालों पहले यू नो स्कूल्स बात करते थे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की कि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम यू नो वी फॉलो द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी. 10 साल बाद we meet at a conference at Wellington College, UK, or he was talking about happiness curriculum. So West mein there's a happiness curriculum which has a lot of focus. So hum kya sikhane ki koshish kar rahe hain, how to be happy, which came very naturally for us in terms of you know ki we had a very happy, I think I had a very happy childhood. That is more. So ab what needs to be, I mean why has he taken to writing? That's where he finds happiness and that's his, I mean main vivek ji main vivek ji pe aata hu. Ek sawal ye hai ki when we talk about holistic development, vivek atre former ias, we talk about cricket, we talk about books, motivational speaker. Main ek sawal apne liye bhi aur shayad jo audience hamari baithi hai, bacche baithe hain, unke liye bhi puchna chahta hu.
आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्रिकेट भी आपने खेल ली, आपने बुक्स भी, आपने इंजीनियरिंग भी कर ली, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट का तो पूरा कंसेप्ट जो है, मुझे लगता है अगर आपके टाइम में वो आप उसको अडॉप्ट कर चुके तभी आप इस स्टेज पे हो। आई थिंक आई वॉज लक्की, मेरे पेरेंट्स जो थे वो बड़े बैलेंस से थे, तो उनको पता था मैं खेलता रहता हूँ, मैं पढ़ता थोड़ा बहुत हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ और भी चीज़ें करता हूँ। मुझे नहीं पता था, वैसे मुझे अपने बारे में बात करना पड़ेगा यहाँ पे, बट इट्स एन एग्जाम्पल विच इज प्रॉबली रेलेवेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज अबाउट फाइंडिंग हैप्पीनेस विच मितुल जी सेड, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना है। अब राइटिंग से कोई अर्निंग नहीं होती है, ये मैं बता दूं, कोई यंगस्टर बोले मम्मा मैंने तो राइटर बनना है विवेक सर की तरह, वो नहीं है। यू हैव टू हैव अ जॉब, यू हैव टू हैव अ बिजनेस, यू हैव टू हैव रेवेन्यू कमिंग इन, एंड देन यू कैन राइट, एंड देन यू कैन बी एन एडवाइजर, यू कैन बी ऑन टीवी शोज, यू कैन डू अदर थिंग्स। तो एक सब्सटेंस तो बनाना पड़ेगा, तो पढ़ाई उसके लिए। एंड अभी वन ऑफ माई कोट्स वॉज इनएडवर्टेंटली कोटेड बाय अनिरुद्ध जी इन द प्रीवियस पैनल, लाइफ इज नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ मार्क। तो ये जो असरदार जिंदगी है वो मार्क्स से नहीं आती, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट से आती है। सो आई वॉज लकी दैट माई पेरेंट्स वर अंडरस्टैंडिंग इनफ टू अलाउ मी टू प्ले, टू अलाउ मी टू बी अ पब्लिक स्पीकर, टू अलाउ मी टू राइट, बट ऑल्सो टू स्टडी इनफ टू बी ओके। आई वॉज नॉट अ टॉपर, बट लाइफ का टॉपर और स्कूल का टॉपर अलग अलग भी हो सकते हैं। बट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफ, इनफ स्टडी लाइक आर्स? इनफ का कोई डेफिनेशन नहीं होता, बट आई थिंक इफ यू प्रायोरिटाइज थिंग्स, एक परेटोज प्रिंसिपल होता है, 80-20 रूल होता है, एमबीए में पढ़ाते हैं, वैसे मैंने एमबीए नहीं पढ़ा हुआ, बट बेसिकली यू डू दोज 20% थिंग्स विच मेक 80% ऑफ द डिफरेंस, वो पहले करो। तो प्रायोरिटी में वो टॉप 20 चीजें होनी चाहिए आपके, जो 80% आपकी जिंदगी को गाड़ी पे, रेल पे ला रहे हैं, ट्रैक पे। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू हैव दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ मार्क्स। आई विल क्लोज विद एन एग्जांपल ऑन दिस पॉइंट। एक आईएएस ऑफिसर पंजाब के, अभी मैंने उनको इंटरव्यू किया, और क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात बताई पब्लिकली इसलिए मैं उनको नाम भी ले रहा हूं, केशव हिंगोनिया, इज एन आईएएस ऑफिसर इन पंजाब। सो ही केम ऑन माई शो, आई हैव अ गुड वाइफ शो, प्रमोशन हो गया मेरा। तो वहां पे वो केशव हिंगोनिया कहते हैं कि मैं आईआईटी बॉम्बे गया तो मुझे किसी ने कहा तुम्हें 9.7 9.6 सीजीपीए लेने की जरूरत नहीं है, तुम 8 सीजीपीए लो और साथ में बॉम्बे भी घूमो, ऑलराउंडर भी बनो, थिएटर भी जाओ, क्रिकेट भी खेलो, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड ही इज अ सिंगर ऑल्सो, सो आई फॉलो द सेम एग्जाम्पल। मैं प्रोग्राम का, जो हमने इस सेशन का नाम दिया, मैं उसी पर सर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि एकेडेमिक रिजल्ट और होलिस्टिक डेवलपमेंट, एकेडेमिक रिजल्ट कहां से आ रहे हैं बच्चों के पढ़ के वो नजर आ रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहां हो रही है, फिर कैसे होनी चाहिए? आपने अपने अपने पेरेंट्स का जिक्र कर दिया, हो सकता है कि किसी पेरेंट्स की, किसी बच्चे के पेरेंट्स की जो बैलेंस करने की या सोचने की एक एक अलग तरह का नजरिया हो, तो वो किस तरीके से खुद को डेवलप करेंगे? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं समझना चाह रहा हूं कि ये एकेडेमिक रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ना करें तो दूसरी तरफ किस तरह से फोकस होगा, कौन करवाएगा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम सीनियर हो जाते हैं ना तो हम पेरेंट्स को भी नसीहत दे सकते हैं। तो अभी पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूं, जो भी यहां पे बैठे हैं, जो भी टीवी पे देख रहे हैं, एवरी पेरेंट एंड मोस्ट ऑफ अस आर आइदर पेरेंट्स और पोटेंशियल पेरेंट्स। पोटेंशियल तो सब में है पेरेंट बनने का। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि पेरेंट्स आर ओवर थिंकिंग, ओवर एम्बिशियस। जो चीज वो नहीं कर पाए, एवरीबडी नोज दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू डू दैट। एवरी पेरेंट वॉन्ट्स द चाइल्ड टू बी मोर आउटस्टैंडिंग देन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये तो पेरेंट्स को ही सबसे ज्यादा खुशी होती है। बट वी कैनॉट आउटरीच, ओवर डू इट। सो वी हैव टू बी नोइंग दैट आर चाइल्ड मे बी गुड, मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सब समझते हैं हमारा क्रिकेटर बॉय जो है इंडियन टीम में आना चाहिए, क्यों नहीं आया, कुछ गलत है, कुछ घपला है। भाई हो सकता है वो उस लेवल का नहीं है। एंड आईआईटी में कितने लोग आ जाएंगे इंडिया में से? इंडिया की पॉपुलेशन और आईआईटी की पॉपुलेशन का क्या कंपैरिजन है? आईएएस में कितने लोग आ जाएंगे? सो एवरीबडी इज नॉट मेंट टू रीच द पिनिकल ऑफ एवरी एंडेवर। यू हैव टू बी गिविंग योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस कि जितना भी तुम करोगे, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट टू हुएवर, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। पेरेंट्स हैव टू एनकरेज द किड टू डू व्हाट ही और शी वांट्स फ्रॉम द हार्ट। That's it. ये कंफ्यूजन होता है कई बार पेरेंटिंग और टीचिंग में, मिक्सअप सा हो गया सारा कुछ। मैं सर के पास आऊंगा आपसे एक छोटा सा। टीचर्स का क्या है कि मतलब वो कहते हैं कि सबसे पहला आपका टीचर आपके पेरेंट्स ही हैं, तो पेरेंटिंग टीचिंग ये सब एक तरह से मिक्सअप भी हो गया, कंफ्यूजन वाली स्थिति भी हो गई। तो मैं अपनी टॉक्स में ये बोलता हूं कि पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल्स।
आप बच्चों को कहो कि ये करो ये करो ये करो, दे वोंट डू इट. दे विल कॉपी व्हाट यू आर. इफ यू स्टॉप एट द रेड लाइट, दे विल स्टॉप एट द रेड लाइट वंस दे गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. इफ यू डोंट स्टॉप एट द रेड लाइट, यू हैव नो मॉरल राइट टू टेल योर किड कि तुम रुकना. हाउ कैन यू फॉलो, एक्सपेक्ट देम टू फॉलो द रूल्स. तो पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल. ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन, पेरेंट्स भी ह्यूमन है, गलतियां करेंगे, कभी लड़ाई भी करेंगे, गलत गड़बड़ भी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू ट्राई एंड इंस्पायर आर किड्स टू एम्यूलेट अस. तो अगर आप पेरेंट्स की तरह बनना चाहते हो तो फिर पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए ना. मितुल जी, विवेक जी के सवाल को ही मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं, एक वो ट्रेंड सा बन गया जो पेरेंट्स की बात कर रहे थे कि हर पेरेंट्स, हम सभी यहां बैठे हैं, 99 ग्रेड वही बातें करते हैं. सर डॉन ब्रैडमैन के एवरेज वाला हाल है कि 99, हालांकि उनकी 99 नहीं थी, 99.94 थी. 99.94. यस, तो वो जो सिस्टम एक बन गया है ना कि पेरेंट्स का कि बेटा 99 उससे कम कोई बात ही नहीं करता है. क्या जैसे विवेक जी ने कहा कि भैया हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, उसकी बाकी एबिलिटीज भी आप देखो, वो ही और शी कैन बी गुड आर्टिस्ट, सिंगर. और होलिस्टिक डेवलपमेंट में 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्पिरिचुअल की बात करें, माइंड, फिजिकल, मेंटल, ओवरऑल एबिलिटी की बात करें, तो ये आपको लगता नहीं कि एज ए डायरेक्टर आप भी अपने स्कूल में इस तरह के कुछ चेंजेस आप लाए होंगे या कंसेप्ट आप, क्योंकि फॉरेन ट्रेवल करते हो जब आप कॉन्क्लेव में जाते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि फर्स्ट 1979 द फर्स्ट होलिस्टिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट सैन डिएगो. तो 80s में अगर अब्रॉड में ये चीजें सोचने शुरू हो गई थी और हम इंडिया में अब बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो जरूरत महसूस हुई होगी इस टाइम पे. देखिए, एक्सपोजर जो है वो बहुत जरूरी है. अगर आप स्कूल्स में, स्कूल्स का करिकुलम की हम लोग बात करते हैं, वी डोंट गिव मच रेलेवेंस टू आर्ट, वी डोंट गिव मच रेलेवेंस टू म्यूजिक, वी डोंट गिव मच रेलेवेंस टू थिएटर. अब आप जब तक, बिकॉज बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा टू अप्रिशिएट व्हाट गुड म्यूजिक इज, दे आर यूज्ड टू, जैसे हमारा फिल्म्स हैं, हम जिस तरीके की फिल्म्स देखते हैं उसी तरीके का हम, हमारा एक वो बन जाता है कि ये अच्छी फिल्म है, ये अच्छी बुरी फिल्म है. अगर अच्छी फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि अच्छी फिल्म कौन सी है. सो दैट एक्सपोजर, आई मीन फॉर्चुनेटली इफ आई लुक एट, यू नो, एजुकेशन डजंट एंड एट स्कूल. आई वॉज फॉर्चुनेट दैट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट मैं बंगाली मार्केट में रहता था, वहां पर त्रिवेणी आर्ट गैलरी थी, म्यूजिक वो होता था, एनएसडी पास में था, थिएटर देखने का वो मिला, तो बहुत कुछ जो. और स्कूल्स का अगर देखूं मैं तो स्कूल में बहुत अच्छा म्यूजिक डिपार्टमेंट था. आज अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो इफ आई टॉक अबाउट माई स्कूल, हमारे पास शांति निकेतन के दो कपल हैं, बहुत अच्छे आर्ट टीचर्स हैं. दे हैव बीन देयर फॉर लास्ट 15 ईयर्स, बट इफ आई लुक एट द पेरेंट्स, देयर इज ऑलवेज अ कंप्लेंट कि बच्चा नहीं सीख रहा है, बिकॉज यू नो इतना उसको स्ट्रक्चर्ड बना दिया है कि ये स्ट्रोक्स वो स्ट्रोक्स ऐसे सिखाते हैं आर्ट, वेयर इज इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. यू गिव अ पेंसिल एंड अ पेपर टू द चाइल्ड एंड लेट देम ड्रॉ, लेट देम इमेजिन एंड ड्रॉ. यू डोंट टीच क्रिएटिविटी, यू एक्सपोज देम टू गुड आर्ट, यू एक्सपोज देम टू गुड म्यूजिक. आप सिखाइए, मतलब अगर सपोज आप देखिए वेस्टर्न क्लासिकल, कोई भी क्लासिकल म्यूजिक या अच्छा म्यूजिक वो है, इंट्रोड्यूस देम टू गुड म्यूजिक. अगर आप देखें, आई रियलाइज इट बिकॉज एक आई वॉज विजिटिंग ईटन कॉलेज यूके में, आई मीन विच इज अ बोर्डिंग, वन ऑफ द टॉप बोर्डिंग स्कूल्स ओवर देयर. देर आर 80 म्यूजिक टीचर्स 1-to-1 क्लास दे रहे हैं अपने केबिन्स में. एंड थिंकिंग अबाउट इट, वॉट वॉज द पर्पस? इट्स नॉट दैट ऑल बिकम म्यूजिशियंस. What is the role of music in a school? Sare music, theek hai, there are people, you know, who become professional musicians over there. But baki logon ke liye kya hai? To learn to understand and appreciate good music. Achha theater dekhenge. If they are exposed to good theater, they would understand what theater is. स्पोर्ट्स की बात चली तो हमारे इस हॉल में मिस्टर सुरेंद्र महाजन बैठे हैं, नेशनल बैडमिंटन कोच, जिन्होंने साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कश्यप और उनको ट्रेन किया. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए. विवेक सर, मैं आगे बढ़ूं, मैं एक थोड़ा सा
एक इमेजिनरी थोड़ी सी चीज करके एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक यंगस्टर है 16-17 साल का, वो स्कूल जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, अपना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है। इनफैक्ट अब अगर मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि एक 2021 की एवरेज निकाली गई है 2021 में कि ऑलमोस्ट 5 आवर्स एक यंगस्टर सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्पेंड कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बहुत सारी चीजों के बीच स्टक भी है, उसका एक वही एक सर्कल है दोस्तों का, टीचर्स का, स्कूल का, सिलेबस का। उसके बाद जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है तो उसने गलती से भी किसी चीज को इंस्टा के ऊपर जाकर क्लिक कर लिया तो सब कुछ उसके साथ का ही आना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब के जाके उसने YT के ऊपर कोई वीडियो देख ली तो पैरेलल सेम वीडियोज आनी, उनका एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं सोशल मीडिया का जिक्र करूं तो मैं उसको समझने की कोशिश करूं 16-17 साल के एक लड़के को, तो वो स्टक नजर आता है कि उसे पता ही नहीं कि और दुनिया में क्या हो रहा है। उसकी दुनिया वही है, उसी दुनिया में वो घूम रहा है, अब वो उससे बाहर कैसे निकले कि उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो सिविल सर्विसेज उसे समझ आ गया कि मैं नहीं कर सकता, अच्छा मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है मैं गवर्नमेंट टीचर की तरफ जा सकता हूं या मैं इंजीनियर की तरफ जा सकता हूं, लेकिन इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा। पोटेंशियल उसके अंदर हो सकता है कि और चीजों का भी हो, क्या करे वो? ये आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस डिस्कशन का जो अभी आपने बोला, क्योंकि ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम टुडे। मैं IIT मद्रास गया फॉर एग्जाम्पल, वॉट यू आर सेइंग जी, IIT मद्रास NIRF रैंकिंग नंबर वन, इंडिया में नंबर वन इंस्टीट्यूशन। 5 suicides लास्ट ईयर। कोटा में सुइसाइड हो रहे हैं क्योंकि वो IIT में नहीं आ पा रहे। IIT में क्यों सुइसाइड हो रहे हैं? हमको बुलाया गया कुछ लोगों को, मैं भी गया, मैंने स्टूडेंट से बात की, मैं क्या प्रॉब्लम है यार? कहता है सर वो क्लब का कैप्टन बन गया, मैं रह गया, वो उसके ज्यादा लाइक्स है मेरे कम है। IIT कैंपस में उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि देर इज अ नेवर एंडिंग क्वेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स आर अंडर गोइंग। हम कुछ भी पहुंच जाए हमें और कुछ चाहिए। ह्यूमन बींग्स इन दिस एरा देयर वॉन्ट्स एंड डिजायर विल नेवर एंड। ये स्पिरिचुअल बात भी हो सकती है, देर इज ओनली वन आंसर। लेकिन यहां पे IIT में मुझे क्या करना है? मुझे अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। और इसका दूसरा पहलू यह है, IIT का टॉपर लाइफ का टॉपर नहीं होएगा अनलेस द पर्सन ऑल्सो हैज इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। एंड मेंटल फिटनेस विल नॉट कम फ्रॉम 5 आवर्स ऑफ सोशल मीडिया। वो अगर सोशल मीडिया रील्स देख रहे हैं, वो भी 3 घंटे रील्स देख रहे हैं IIT वाले, मेरी बात हुई उनसे। सो द गाय इज स्लीपिंग ओनली 4 आवर्स, 3 आवर्स ऑफ रील्स, बाकी टाइम पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है। हाउ इज ही गोइंग टू ऑपरेट? ब्रेक डाउन। एंड वेन द मेंटल ब्रेक डाउन कम्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल? द चाइल्ड हिमसेल्फ, और द बॉय और गर्ल हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट समबडी नीड्स टू गाइड एंड काउंसल देम। कौन बात कर रहा है इसके बारे में? आई वुड से इवन द प्राइम मिनिस्टर और फेमस पीपल शुड कम ऑन टीवी एंड से, टॉक टू दीज पीपल कि डोंट डू दिस, डोंट ओवर एक्सपोज योर सेल्फ। लास्ट पॉइंट ऑन दिस पॉइंट, आजकल जॉब्स जो टॉप लेवल के हैं वो पढ़ाई पे नहीं मिल रहे। एकेडमिक एक्सीलेंस, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, टेक्निकल एक्सीलेंस पे जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब मिल रहा है ऑन EQ, पीपल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, टीम लीडरशिप। सो टॉप लेवल जॉब्स इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सर्विसेज आर टू बी गिवन टू द पर्सन हु इज इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड दैट बॉय और गर्ल हैज टू अंडरस्टैंड दिस एंड हैज टू बी फिजिकली फिट ऑल्सो। फिजिकल फिटनेस इज अंडर रेटेड। स्पोर्ट्स छोड़ देते हमारे कंट्री में, स्कूल के बाद छोड़ दिया। मैं टेबल टेनिस खेलता था, चलो टेबल टेनिस को भी स्पोर्ट मान लेते हैं, आई एम ओनली जोकिंग, बट टेबल टेनिस तो खेलो अब। एवरीबडी नीड्स टू बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, स्लीप इनफ एंड बैलेंस देयर लाइफ। विवेक जी, मैं जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, ये आपने कहा फिजिकल फिटनेस, अगर कोई टेबल टेनिस खेल रहा है उसका क्या लगता है कि लेवल के मैं नेशनल प्लेयर ही बनना है या सिर्फ एक उसके अंदर जितनी स्किल्स है वो वहां तक तो जाए? आपने कपिल का औरा देखा, खेले भी है साथ में आप, और आप एक इंडिया का वो ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां से बहुत सारे क्रिकेटर्स, चाहे वो फार्मर हो, यंग हो, इवन के मैं एग्जांपल दूं कि कई ऐसे क्रिकेटर्स थे जो आपका टूर्नामेंट खेलते थे, जेपी अत्र मेमोरियल, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, BCCI रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट होता है। मेरा सवाल ये है कि आपने जब कपिल का अपने टाइम पे वो ऑरा देखा, योगराज सिंह, चेतन शर्मा, आप खेले भी है साथ में, ये लोग पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज उनकी पढ़ाई की बात उतनी नहीं होती। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि आप ग्रेड मत लीजिए, लीजिए, श्रीनाथ की बात करें, कुंबले की बात करें, इंजीनियर्स, बट कहीं ना कहीं उनके इतने अच्छे स्किल्स हैं, क्या लेजेंड है वो आज लोग।
वो उस ओरे में, क्योंकि आप जब इंटरेक्शन करते हैं यंग बच्चों से, क्या उनके अंदर आपको लगता क्या है कि क्या चीज लैक कर रहे हैं, क्या वो इंप्रूव कर रहे हैं? इसमें उमेश ऐसा है कि क्रिकेट या म्यूजिक या आर्ट में अगर हम सुपरस्टार हैं, अगर हम सुपर ब्रिलियंट हैं, तब हमारी पढ़ाई कम से कम भी है तो आई एम फाइन बिकॉज आई एम डूइंग सो वेल इन वन पर्टिकुलर रेल्म. नीरज चोपड़ा डजंट नीड टू स्टडी, आई एम श्योर ही स्टडीड वेल, ही डजंट नीड टू स्टडी, ही थ्रोज अ जेवलिन इन अ मैनर दैट नोबडी डज. नाउ कपिल देव अपनी इंग्लिश पे हंसते थे खुद. मैं बिल्कुल चाहूंगा कोई जिक्र आप जरूर सुनाएं क्योंकि आपके पास काफी किस्से. इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं बिकॉज पीपल आर हियर. देयर इज अ मेजर जनरल नीरज बाली, उनका भी मैं नाम ले रहा हूं बिकॉज ही सेड दिस ऑन टीवी. ही सेज आई यूज्ड टू बी अ लेग स्पिनर इन डीएवी स्कूल चंडीगढ़ एंड कपिल देव वॉज माई कैप्टन. नाउ आई एम अ मेजर जनरल एंड ही इज कपिल देव. और फिर उतने साल हम नहीं मिले. कहते हैं अभी रिसेंटली किसी ने उनको जिक्र किया कि वो नीरज बाली याद है तुम्हें लेग स्पिनर कपिल पाजी को. कपिल देव कहते हैं मुझे याद है वो जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी वो वाले. सो ही हैड दैट कॉन्शियसनेस कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है और नीरज बाली की अच्छी है, जबकि क्रिकेट में कपिल देव वॉज कपिल देव, नीरज बाली वॉज नो वे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि वो चीज हर एक पे एप्लीकेबल नहीं है. हमें और आपको, चलो हम चार लोगों को ही मान लेते हैं, लेट अस प्रिज्यूम दैट द एंटायर हॉल इज ऑफ द सिमिलर कैलिबर. वी डोंट हैव कपिल देव हेयर and there are outstanding coaches there, there are outstanding people here, but let us say we are in the same zone. We have to be all-rounders. Cricket all-rounder nahi, life all-rounder. Uske liye hume padhai bhi karni hai aur kisi ek cheez mein aur excel bhi karna hai aur apni life ko balance karna hai. Wo holistic development. Mithul is talking about music because music will give you that joy and love which chartered accountant may not get unless he has music in his life. I have nothing against CAs. नंबर क्रंचिंग कितनी कर लोगे तुम, साथ में कोई रेसिपी भी होनी चाहिए, कोई गिटार भी होनी चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट लाइफ इज अबाउट. जी स्पोर्ट्स इज आल्सो अबाउट, यू नो इट्स नॉट अबाउट एकेडमिकली, यू नो कपिल देव ने क्या किया, बट अगर आप किसी बच्चा, कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है या एनी ऑफ अस वी प्ले क्रिकेट, देयर इज लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स ऑल्सो, डोंट यू थिंक? आप रन्स बनाते हो, कितने रन्स अगर 50 ओवर मैच है या 20 ओवर मैच है, if you don't apply, where do players fail? If you don't apply a run rate, you know what you have to, how many singles you have to take, how many can doubles I interrupt you, have to take. Yes, Kapil Dev needed, India needed 24 runs to save the follow on. Kapil Dev ka match acha tha, char chakke maar diye, 24 runs, and Narendra Hirwani was at the other end. Other end, yes. To match itna to aata tha Kapil Dev ko, aisi baat nahi hai. Itni zarurat. So that's what I'm saying. Even if you take example of table tennis, you need a lot of patience to play any game. You need a lot of application of mind. Itna application of mind shayad hamare classrooms mein use nahi hota jitna ek sports field mein hota hai. Sir, hamari team wind up karne ke liye bol rahi hai, lekin main ek chota sa sawal janna chahunga. Ek decision making ability youngsters mein kya pichle time mein kuch kam hui hai ya uski age zyada ho gayi hai ki jo aaj se 2 decades pehle 3 decades pehle अगर 14 साल का बच्चा जो डिसाइड कर पा रहा था, डिसीजन ले पा रहा था, आज नहीं ले पा रहा, आज वो 16, 17, 18, 19, 20 में जाके ले पा रहा है, क्या ऐसा है? मुझे मैं इसमें एक साथ में ऐड कर दूं दोनों के लिए, क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम फुलफिल कर पा रहे हैं? देखिए आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट जनरेशन. जो चीज हम लोग नहीं कर पाते थे, देखिए देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ यू नो सोशल मीडिया, बट जो चीज हम नहीं करवा कर सकते थे, आज मुझे लगता है कि दिस इज द एज ऑफ सेल्फ लर्नर्स. आई सी चिल्ड्रन लर्निंग लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस ऑनलाइन, एंड कोविड के टाइम में स्पेशली अगर मैं देखता हूं तो अब देखिए डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बट दे आर, दिस इज अ वेरी स्मार्ट जनरेशन विच हैज टू बी डेल्ट इन द राइट वे. और मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं. Let them, allow them to fail. And that's the crux. And as far as your second question about holistic development is concerned, it's not that the schools are not trying to inculcate holistic development. Koshishen bahut hain. But the pressures of, you know, finishing the curriculum, the scores jab aap baat karte ho, 99.9% aur uska, wo bahut zyada hai. रेलिवेंस कुछ नहीं है. आज भी मुझे लगता है कि somebody who scores 98% या 99% और वो एक कॉलेज चूज करता है, देयर आर, आई नो अबाउट चिल्ड्रन हु
score 70-75% and get into better colleges and universities. Difference kya hai? Suppose aap Chandigarh mein rehna chahte hain because it's a very comfortable city. You don't want to leave Chandigarh. You might have, you know, you might appear for a competitive exam and get into a better university in Bangalore or Pune. मेरा सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा था कि क्या पहले ज्यादा थी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अब लगता है कि अब आपको ज्यादा नजर आती है बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज अ कंफ्यूजन दैट हैज बीन कॉज्ड बाय द प्रेशर. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, लेकिन वो एक करेज चाहिए कि मुझे सही फैसला लेना है अपने दिल की क्लोज जो है. पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स के साथ बात करनी. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नीड टू कम्युनिकेट विद पेशेंस. इफ यू स्नैप एट देम एंड शट द डोर एंड स्लैम द डोर और चले गए, फिर छह महीने बाद बात कर रहे हो. पेरेंट्स और बच्चे बात नहीं कर रहे आपस में. बट वन लास्ट थिंग, एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट टुडे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी उस पर मैं किताब लिख सकता हूं, लेकिन वो कम से कम है तो सही पॉलिसी. और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात तो हो रही है. आपको पता है फिल्मी म्यूजिक पहले बहुत अच्छा माना जाता था, उसके बाद 80s 90s का म्यूजिक बड़ा बेकार होता था. उनको पता नहीं था कि ये बेकार म्यूजिक चल रहा है इस टाइम. अब हमें लगता है कि अच्छा म्यूजिक दोबारा थोड़ा बहुत आ गया. सो आई थिंक द सेम एरा इज गोइंग थ्रू इन एजुकेशन. इन एजुकेशन ओनली मार्क्स वर इंपॉर्टेंट एंड नाउ एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट वंस अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर बात हुई है, और ये बात तो ऐसी थी क्योंकि बीच में क्रिकेट आ गया तो लग रहा कि चलती ही रहे क्योंकि क्रिकेट इतने क्रिकेट के ऊपर और बात कर ले और काफी अच्छा सेशन था. बिल्कुल. तो समय इतनी इजाजत दे रहा था. उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हमारी यंगस्टर्स के पास पहुंचेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर. जो इंस्टा यूज कर रहे हैं, जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर हैं, जो अपने फोन को 3-4 घंटे दिन में स्क्रोल कर रहे हैं, उन तक भी चीजें पहुंचेंगी. वापस रुक करते हैं सरबजोत का. Thank you so much, sir, for your valuable insight on this topic. Please stay on the stage. Now I request my colleagues Gaurav Shukla and Umesh Sharma to felicitate our guests. Vivek Atre, ex-IAS, author and TEDx motivational speaker. Mithul Dixit, Director, Dikshan International School. Thank you so much, sir.